टाइम आउट हो गया, टाइम आउट। अभी चर्चा क्रिकेट से पूछूंगा कि आज के मैच के बारे में क्या कहेंगे, उसके क्या मतलब एक्सपेक्टेशन थे क्वेटा से, जो कि क्वेटा बिल्कुल एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरे। आज के मैच के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं आप, क्वेटा के लिए क्वेटा से आए हुए थे और ये तो बंदा नहीं कह सकते कि क्वेटा मैच जीते और आगे जाए, लेकिन ये क्रिकेट है। इस्लामाबाद वालों ने आज बहुत अच्छा खेल पेश किया। हम लोग स्पेशली क्वेटा से आए थे क्वेटा के मैच के खातिर, और क्वेटा आज फिर भी थोड़ा अच्छा गेम हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती, अच्छे सेहत के साथ आप हमेशा इसी तरह पाकिस्तान माशा पहले बलोचिस्तान पहले क्वेटा को चाचा क्रिकेट का सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू फर्स्ट डे ऑफ कराची। यार खाना भी तक नहीं खाया और नाश्ता भी कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, तो जाकर बाहर देख लो अगर कुछ था तो वो लेकर आऊँगा, फिर नाश्ता वाश्ता करेंगे, खाना वाना खाएंगे, फिर शावर करना है, फिर शावर करने के बाद फिर जाएंगे, सबसे पहले टिकट लेना है, टिकट लेने के बाद फिर उसके बाद अगर बता दे तो सब कुछ अभी बता दूंगा, फिर व्लॉग देखने का क्या फ़ायदा, तो इसी के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेता हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, स्टे ट्यून्ड। यार यहाँ पे फाइनली बिरयानी मिल रही है, यार खाना भी हो गया है तैयार, तो यार खाना खाने के बाद फिर आप लोगों से अपने व्यूअर्स को मेरा न्यू लुक दिखा रहा हूँ। हाँ 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 यार बस हो गया कुछ तो जबरदस्त यार, बाल फिर वापस निकलेंगे। हाँ जबरदस्त यार, शावर करने के बाद फिर आप लोगों से मिलूंगा। इधर भाई एक यार, यहाँ पे डेटा सही काम नहीं कर रहा है तो मजबूरन मुझे गेस्ट हाउस के वाईफाई को ही कनेक्ट करना पड़ा, और ये भी काम का बिल्कुल नहीं, ये भी फारिग है। इधर भाई भी मेरी वजह से बहुत लेट हो गया, इधर भाई आई एम रियली सॉरी। चलो चलते हैं, सबसे पहले टिकट लेना है, फिर उसके बाद देखेंगे सीन क्या बनेगा, शहरी के टाइम पे खाना होटल में खाएंगे फिर निकलेंगे मेज की तरफ, इंशाल्लाह। मजाक किया, होटल का जो वाईफाई है वो थोड़ा बहुत अलबत्ता मेरे डेटा से स्पीड है, व्लॉग भी हो गया अपलोड, इंशाल्लाह 7 बजे अपलोड होगा मेरा क्वेटा टू कराची वाला व्लॉग। अगर आप लोगों ने अभी तक वो व्लॉग नहीं देखा तो जल्दी से फटाफट जाकर मेरा वो पिछले वाला व्लॉग देख लो। यार आप लोगों को याद होगा मैंने इस्लामाबाद से अपने लिए एक फेस वॉश लिया था, वो फेस वॉश यार कराची में भी नहीं था, एक मतलब इधर भाई ने मुझे कहा था कि ये कराची का सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर है, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगा, मगर वहाँ पर भी नहीं मिला। तो आज अगर टाइम मिल गया तो आऊँगा यहाँ से, पूछूँगा लकी वन मॉल से, शायद यहाँ पे मिल जाए मुझे मेरा फेस वॉश, वरना इस्लामाबाद से ही मंगवाना पड़ेगा। फिर बहुत ही गंदी ट्रैफिक यार, यार मैं पहुँच गया के मुबर्स के दफ्तर में, यहाँ से फाइनली टिकट मिलेगा मुझे। उस्ताद ले लिया, थैंक यू, फाइनली टिकट मिल गया, फाइनली। हाय इधर भाई, फाइनली टिकट मिल गया, जबरदस्त। हाय हाय खबर ये है कि भाई हम लोगों ने फाइनली सोहराब कोर्ट से टिकट ले लिया है। हैदर भाई हाय हाय, अभी इस पार्सल को ओपन करें भाई। हाँ यार ये छोटी छोटी खुशियाँ यार, इस टाइम कौन कौन कर रहा है, तुम खानाबाद और से हाफिज। यार सलमान का बहुत बहुत शुक्रिया, मानी ब्लॉक का जिसने मुझे ये टिकट क्वेटा से भिजवाया, तो वंस अगेन सलमान आपका बहुत बहुत शुक्रिया मानी ब्लॉक। यार हैदर भाई रॉन्ग वे पे आए, यहाँ से हैदर भाई के बखोल यहाँ से क्वेटा भी जाता है, तो इसको मतलब हम लोग क्वेटा जाने वाले, अभी हम लोग यारी एक्सप्रेस वे में जो लोग कराची में है वो लोगों को पता है भाई, तो खैर अभी रास्ता ढूंढते हैं। यार यहाँ से यू टर्न ले लिया है और अभी हम लोग वापस नहीं, रॉन्ग वे पे जा रहे हैं हम लोग, अभी तो सही वे पे आ गए ना, नहीं मतलब वन वे है ये पे, और ये वन वे है। हाँ ये वन वे समझ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ये वन वे
यार इफ्तार का टाइम है, मुझे हम दोनों को नहीं लगता है कि यहाँ पे मॉल खुला होगा, तो इस वजह से सबसे पहले पेट पूजा करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे सीन क्या बनेगा। वो अल्लाह खैर कर यार, बहुत ही तेज राइडर है यहाँ पे, बहुत ज्यादा इन लोगों ने आग बुझा नहीं आगे यार। इन लोगों को चाहिए कि फायर ब्रिगेड में काम करे, कैसा इधर भाई? हाँ बिल्कुल, फायर ब्रिगेड में। असल में तो इफ्तार का टाइम है, लेकिन आग जैसा लग रहा है कि ये लोग आग बुझाने जा रहे हैं भाई। यार अभी हम लोग जा रहे हैं हैदर भाई की फरमाइश पे रोल करने। जैसा कि हैदर भाई ने कहा था कल रात के, आज रात आपने बताना है कि कहाँ पे जाकर खाना खाए, उसके बाद फिर मैं आपको गाइड करूँगा। तो हैदर भाई, मैंने कराची में ज़्यादा अरसा तो नहीं गुजारा, लेकिन 2016 में मैंने 6 महीने कराची में गुजारे, तो तब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, और इनका रोल जो है वो बेहतरीन है। जब भी मैं कराची आता हूँ तो इनका रोल मैं लास्ट में ट्राई करता हूँ। तो लेट्स सी, मतलब जितना हैदर भाई तारीफ कर रहे हैं क्या वाकई इतना टेस्टी है या नहीं, तो आज आप देखेंगे इधर भी। यस यार, यहाँ पे इफ्तार ही तभी तमाम के हैं, हम लोगों का तो रोज़ा नहीं है, मगर फिर भी हम लोग इफ्तार कर रहे हैं। अजान भी स्टार्ट हो गया। भाई ने हम लोगों के लिए ये भी लाए फ्रूट वगैरह, बहुत बहुत शुक्रिया। यार ऑर्डर भी दे दिया हम लोगों ने, और सूप से पहले रोल आ गया। यार आप लोगों से मिलूंगा जब रोल खा लो, फिर मिलेंगे थोड़ी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद यार टेस्टी है। यार खाना वाना खा लिया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेडियम की तरफ, खाना वाना खा लिया है, तो देखेंगे कि अब सीन क्या बनेगा। यार सबसे पहले नमाज करना है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना खा लिया है, उसके बाद फिर जाएंगे स्टेडियम की तरफ। यार हम लोग पहुंचने वाले हैं टुवर्ड्स कराची। यार आप लोग हेवी लाइट देख सकते हो, ये है ग्राउंड का लाइट। अस्सलाम वालेकुम, गेट नंबर एक जी, एक पे तो आलो नहीं है, यहाँ से आलो होगा आपको 4 नंबर या 3 नंबर या 5 नंबर। नहीं, उन लोगों का गेट नंबर एक है, टिकट पे गेट नंबर उस तरफ है, ऐसे जाओ बाहर पार्किंग उस तरफ है, उधर खड़ी करें गाड़ी फिर वापस। अच्छा, कार को भी वहाँ पे पार करें, पार्किंग उधर। सही सही, थैंक यू। उस तरफ है। अस्सलाम वालेकुम सर, गेट नंबर एक कहाँ पे? गेट नंबर एक यहाँ से भी है, होती है वैसे इधर लेफ्ट साइड पे पहला गेट है, वहाँ से चले। अच्छा, गाड़ी कहाँ पे पार्क करें? गाड़ी है गाड़ी अपोजिट साइड पार्क कर, खान की जो पार्किंग है ना, खाली प्लाट है। यार हम लोगों को पार्किंग वगैरह का कुछ भी आइडिया नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग दर बदर ख्वार हो रहे हैं। यार जो भी लोग मैच देखने आए, तो अगर वो लोग अपने कार में आ रहे, तो उन लोगों के लिए मतलब मेरे तरफ से और हैदर भाई की तरफ से एक एडवाइस यही है कि आप लोग कार पास ज़रूर लें, ताकि अपने कार को भी अंदर ले जा सके, वरना फिर हम लोगों की तरह ही आप लोगों को दर बदर फिरना पड़ेगा, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे। तो एक मशवरा यही है कि आप लोग कार पास ज़रूर लें। यार अगेन पार्किंग का मसला है, पार्किंग नहीं मिल रहा है। हैदर भाई गया है बात करने, हर कोई आवाम को लूटना चाहता है। यहाँ पे एक पार्किंग का 500 रुपये मांगना चाहता था, 500 रुपये सिर्फ और सिर्फ एक पार्किंग का। इसका मतलब आवाम की मजबूरियों से फ़ायदा उठाना इन लोगों का आदत बन गया है। यार ये रहा स्टेडियम वालों की तरफ से कार पार्किंग, फाइनली कार को पार्क कर लिया बहुत मेहनत के बाद। अच्छा ये अब झंडा लेंगे क्वेटा ग्लेडिएटर्स का, सरफराज पता नहीं टीम में होगा या नहीं, मतलब झंडे पे उसका ही पिक्चर बना हुआ है, लेट्स सी आज इसको खिलाएगा या नहीं। यार यहाँ पे आए थे फ्रेश होने, तो लेट्स गो, अब जाएंगे डायरेक्ट ग्राउंड की तरफ। मेरे ख्याल में टॉस होने वाला है, वाला जी जी आर टॉस हो गया कि क्वेटा बैटिंग करेगा या नहीं। यार आप लोग देख सकते हो इधर भाई को, क्वेटा के सरगोल सिपाही क्वेटा का सिपाही बना हुआ है इधर भाई, आप लोग देख सकते हो बड़ा सा जनरल दिया हुआ है, दिल क्वेटा का है।
हम लोग कराची में आए मगर फिर भी दिल क्वेटा का है। हाँ यार, तो फाइनली हम लोग इंटर हो गए ग्राउंड में। यार चाचा क्रिकेट भी आ गया तो आप लोगों को मिलवाता हूँ। यार तो इसे कौन नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम। यार इसे कौन नहीं जानता है, इसे तो पूरा पाकिस्तान जानता है। माशाल्लाह आपकी शादी हो गई है। नहीं, चलो जब भी हो जाएगी अच्छा, अभी भी अच्छा है। यार तो अब जाएंगे अंदर। यार तो फाइनली हम लोग इंटर हो गए ग्राउंड के अंदर। इससे पहले मैंने जूनियर PSL देखा था, और इसमें था PSL देखा। यार तो क्वेटा वाले साइड पे बैठेंगे और कल लोग बैठेंगे ऊपर ऊपर बैठेंगे लोग। टॉस तो हो गया है, इस्लामाबाद जीत गया, और इस्लामाबाद से पहले करेंगे बैटिंग और क्वेटा बॉलिंग। तो होप्स हो कि क्वेटा जीते और नेक्स्ट मैच भी क्वेटा का ही हो। तो यार आप लोग देख सकते हो इस्लामाबाद के बैट्समैन आ गए हैं मैदान में, ग्राउंड में आ गए प्लेयर्स। हम लोग थंबनेल की खातिर लगे थे और पहला बॉल भी हो गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपील मगर कुछ भी नहीं। यार आप लोग जो टीवी में बैठकर बहुत ही मज़े से देखते हो, आप लोग देख सकते हो कैमरे को। यार क्राउड इतना नहीं है जितना होना चाहिए था, आप लोग देख सकते हो सारे ग्राउंड खाली। यार ये है टप्पा वसीम जूनियर ने तो खाना ही ख़राब कर दिया, खाना ही ख़राब कर दिया वसीम जूनियर ने। पहले ओवर में 2, दूसरे ओवर में 18 रन। विकेट जरूर लेना चाहिए। 3 ओवर 27 रन, 4 ओवर में 30 रन। यार ये भी सही है, आमिर और अकील ने थोड़ा ओवर सही कर दिया। इस साइड में क्वेटा वाले और दूसरे साइड में इस्लामाबाद वाले, बिल्कुल मजे मुकाबिल बिठाए दोनों को। हाँ भाई, इस्लामाबाद के दोनों ओपनर एक से बढ़ के एक से बढ़ के गटेल और हिल्स। पता नहीं स्कोर, मुझे लगता है 150 से अबव होगा। कर दिया।
पीस फील, ऊपर से फिर पावर ऑफ की धुलाई। फाइनली यार थर्ड विकेट डाउन हो गया। मारने वाला आ गया, मारने वाला यार, ये सच में मारता है यार। सब कह रहा है मोटू ने पता नहीं क्या कहा है। एक ही ओवर में एक छक्के दो चौके। फहीम का मेरे ख्याल में फहीम आउट हो गया। वाह जबरदस्त आमिर यार भी यहाँ पे बैठा हुआ पे कौन है? बात तो सही है। इधर भाई वसीम जूनियर है ना? वाकई में जूनियर है भाई, इसके एक्सपीरियंस नहीं है बेचारे का। इससे अच्छा तो आप बॉलिंग करते हैं। अच्छा एतबार है आप पे। देख ले आप, दो ओवर में 36 रन दिए, दो ओवर में वसीम जूनियर ने। हाँ दो ओवर में उसने पता नहीं कितने रन, 36 रन। इससे बेहतर मुझे इधर भाई पे एतबार है। केदार भाई अच्छा बॉलर है। कंट्रोल होता है। नहीं नहीं नहीं, बैठो, हौसला रखो यार। वन मोर डाउन, रन आउट हो गया। बहुत ही अच्छे तरीके से स्कोर को फाइनली रोक दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से। वरना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 200 से ऊपर। अच्छा वो कि बॉलरों ने फिर कमाल दिखा दिए और स्कोर को फाइनली कंट्रोल कर लिया। चाचा की किसे पूछेंगे कि क्या ये स्कोर सही है या कम है या फिर बहुत ज्यादा है? स्कोर सही है या कम है या ज्यादा है? तो मेरा मानना है ये स्कोर बहुत बड़ा है। 155 नहीं करके लेकिन जीते इस्लामाबाद। स्कोर बहुत बड़ा हो गया है। 200 के बराबर का स्कोर है। आसानी होगा जीतने के लिए। कुछ भी हो, 10 से 15 स्कोर से हार जाएगा कोटिया। कुछ भी हो जाए कोई जीतेगा। लोग देखो लगी शेर कोयचा जीतेगा। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जो भी अगर कोयचा जीत गया तो आप भी कहाँ पे झंडे वाले के पास मैं आपको देखूंगा। सही है, जब कोयचा जीत गया आपने यहाँ पे आना है। सही है इसके यार, इस बच्चे के साथ शर्त लगाए मेरा। ये कह रहा हूँ कोयचा जीतेगा, ये कह रहा है इस्लामाबाद जीतेगा। तो लेट्स सी कौन जीतेगा यार। कोई ड्रिंक वगैरह लेके फिर वापस जाएंगे ग्राउंड के अंदर। इधर भाई को कहा वहाँ पे बैठो, मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाऊंगा, आप अंदर ही बैठो। साथ से पिज़्ज़ा लेंगे और साथ में कोल्ड ड्रिंक।
एक मीडियम ऐसा ही 60 ले लेंगे और फिलहाल यहाँ से एक मीडियम पिज़्ज़ा। बैटिंग भी स्टार्ट हो गया क्वेटा का। हाय 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 यार, जिस बच्चे के साथ मैंने शर्ट लगाया था उस बच्चे ने मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प किया, बहुत ज़्यादा। डाउन हो गया यार, डाउन कंफर्म यार, सेकंड डाउन हो गया यार। छोड़ो मैच को, पिज्जा खाओ, पिज्जा एंजॉय करेंगे, ये लोग फजूल खेल रहे। पिज्जा जल्दी से खाओ वरना प्रोग्राम पहले से बढ़ गया यार। अगेन डाउन हो गया, दिल खराब कर गया यार। इधर भाई 16 रन पे 4 खिलाड़ी आउट, दिल खराब कर गया यार। यार अगेन ये बच्चा आ गया, यही लगता है मतलब कोयटा वाले छूट दे रहे इस्लामाबाद, ताकि मतलब इस्लामाबाद वाले नेक्स्ट PSL भी खेले ना, अगर इस मरतबा जीत ले फिर PSL अगले मैच नहीं खेलेगा। यार मुझे किसी से ही मतलब डर था कि ये बच्चा ना आए कहीं। आ गया यार इस्लामाबाद, सिर्फ और सिर्फ इस वजह, इस बच्चे की वजह से ही जीत रहा है, वरना क्वेटा जीत जाते। अब क्या बोलूं यार, कुछ कहने को बाकी नहीं है। इधर भाई सारा मूड खराब कर दिया यार। यार इस तरह का क्वेटा जो बैटिंग कर रहा है, ये लोग मतलब डिजर्व ही नहीं करते कि इस स्टेज पर खेले, वरना और पांचवें छठे नंबर पे ही सही था। मैच देखो कौन सा है और स्कोर देखो और विकेट देखो कितना है यार। फाइनली बाउंड्री यार, फाइनली छक्का लग गया यार। यार हम लोगों ने अपना 66% बच्चे की खातिर चेंज कर लिया, वरना वो फिर आता किया था। फिर क्या हो गया कुछ PSL वाले आ करके रहे थे, ये नारा ना लगाने।
बुरा लगा यार। एट दिस स्टेज इस्लामाबाद यार इधर भाई जोर जोर से तालियां मार रहे कि फाइनली एक चौका तो लग गया यार। कोयटा को अब एक ही प्लेयर बचा सकता है और वो है चेन कुली की मेन कुली वाला बैट्समैन। अगर आ जाए तब कोयटा कुछ कर सकता है, वरना जो सूरज हाल अभी चल रहा है उसे तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ हो सकता है। सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, चेन कुली की मेन कुली वाला बैट्समैन आमिर आ गया। आमिर सारी आवाम जा रहे हैं, कोयटा ने सबको डिसार्ड कर दिया। आमिर की तरफ से चौका, यार जितना अपने फैन को ये यार अपने फैन को बहुत ही इज्जत देता है चाचा की, उसके बहुत ज़्यादा। जब भी कोई फैन आता है तो ये चाचा क्रिकेट उस खातिर उठता है अपनी जगह से और उसके साथ पिक्चर बनाता है। यार कोयटा की टीम में मेरा फेवरेट प्लेयर विनीसियस जूनियर है, ऐसे तो नहीं होता है। आप लोग देख सकते हो 7 नंबर टी शर्ट में मलबूस, मेरा फेवरेट प्लेयर ये है कोयटा में। लास्ट उम्मीद आमिर ही है, अगर आमिर ने कुछ कर दिया तो सही, वरना फिर कोयटा आउट। यार कसम से पूरे मैच में मजा नहीं आ रहा था, मगर जब से आमिर आ गया मैच में जान आ गया बिल्कुल। असल में इंजॉय वो कैटेगरी कर रहे, पता नहीं वो कौन सा कैटेगरी है, अलबत्ता शायद जनरल होगा या फिर फर्स्ट क्लास। रोनाल्डो रोनाल्डो यार मेरा कोयटा में फेवरेट प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। और दूसरा फेवरेट मार्सेलो है कोयटा टीम में। यार ये बंदा बहुत ही अच्छा है। अभी चाचा क्रिकेट से पूछूंगा कि आज के मैच के बारे में क्या कहेंगे, उसके क्या मतलब एक्सपेक्टेशन थे कोयटा से, जो कि कोयटा बिल्कुल एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरे। चाचा आज के मैच के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं आप, कोयटा के लिए कोयटा से आए हुए थे और ये तो बंदा ने कहा थे कि कोयटा मैच जीते और आगे जाए, लेकिन ये क्रिकेट है। इस्लामाबाद वालों ने आज बहुत अच्छा खेल पेश किया। हम लोग स्पेशली कोयटा से आए थे कोयटा के मैच के खातिर, और कोयटा आज जी फिर भी थोड़ा अच्छा गेम हो गया। शुरू में कोयटा के 5 प्लेयर जो 20 पे आउट हो गए, वहीं पे गेम बदल गया, लेकिन चले ये क्रिकेट है, जो भी जीता पाकिस्तान जीता। हाँ जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अच्छे सेहत के साथ, आप हमेशा इसी तरह पाकिस्तान माशा पहले बलोचिस्तान पहले कोयटा को चाचा क्रिकेट का सलाम।
यार क्वेटा टीम तुम जीत हो या हारो हमें तुमसे प्यार है, बस इतना कहूँगा। वेल प्लेड आमिर, आमिर ने आज के मैच में थोड़ा वो जान लाया तो आमिर ने बहुत ही अच्छा खेला। कोई बात नहीं, मैच देखने में बहुत ही मज़ा आया, तो जाएंगे वापस गेस्ट हाउस की तरफ। वेल प्लेड, नेक्स्ट टाइम क्वेटा। इजहार हमदर्दी के लिए ये भाई कह रहा था कि क्वेटा को जीतना चाहता, अगर क्वेटा हार गया कोई बात नहीं है। भाई को इंटरव्यू भी दे दिया, पता नहीं इसके चैनल का नाम क्या है, तो बहुत ही एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे। अगेन कह रहा हूँ मगर क्वेटा हार गया, कोई बात नहीं यार, तुम जीतो या हारो क्वेटा हमें तुमसे प्यार है। यार चाचा क्रिकेट जो कि तारीफ का मोहताज नहीं है, वो रक्षे पे यार जा रहे हैं। मैंने तो फोटो बनाए थे अंदर आपके। हम लोग ले जाएंगे, हम लोगों के पास कार है ना, और चाचा को कहो क्या उस साइड पे जाना है, चलो हम लोग ले जाएंगे। यार चाचा क्रिकेट को हम लोग ड्रॉप करेंगे उसके गेस्ट हाउस तक। 3 साल गया। अच्छा 13, 14, 15 आर्मी मुझे बुलाती थी उस जमाने में। अच्छा 14 अगस्त होता था ना। अच्छा 14 अगस्त का जो फंक्शन होता था। यार चाचा मुझे कह रहा है कि मुझे आपके चेहरे से पता लग गया कि आप जनरल मुसा के कौम से, बिल्कुल सही बताया कि हम लोग जनरल मुसा के ही कौम से हैं। इसलिए मैं बेटे की जो है ना शक्ल सूरत देख के ही। हाँ जी थोड़ा बहुत तजर्बे है जी। अच्छा हम लोग बचपन से क्रिकेट देखते हैं। जी जी जब मैं छोटा था मैं आपको टीवी पे देखता था, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। नहीं अभी तो जो है ना मैं अल्लाह ताला आप बच्चों को कामयाब करे, हर वीडियो में हर मोबाइल में चाचा जी मौजूद है, जो है ना गूगल में जो है ना विकिपीडिया में है जी। ये मेरी नहीं आप सब की इज्जत है कि विकिपीडिया में मेरी स्टोरी है चाचा क्रिकेट है जी। बिल्कुल हम रोज आपसे आज मुलाकात उधर भी होनी थी, चलो अच्छा यहाँ आपकी गाड़ी में ये बातचीत करना था, नहीं तो हम रोज आते हैं अपना ऊबर कराई या रक्षा कराया जी, 500 आने का दिया 500 जाने का दिया। तो ये हमने इस सफ़र में जो है ना पहले करोड़ों खर्चे किए हैं फिर कमाए भी हैं जी। यार तो ये है चाचा का बेटा, भाई आप क्या काम करते हो? मेरा सियालकोट में ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस। अच्छा अमेजोन का? हाँ अमेजोन पे भी करते हैं, लोकल सीओडी वगैरह भी करते हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। चाचा जो है वो मई में इंशाल्लाह अमेरिका जाएंगे जी, पहले में इंग्लैंड जाएंगे, जो 5 T20 मैच उधर होंगे। अच्छा उसके बाद वहीं से फिर अमेरिका चले जाएंगे T20 वर्ल्ड कप। मेरा 5 साल का वीज़ा लगा हुआ है। थैंक यू चाचा, तो हमें याद रखे इसको। थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका चाचा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बच्चों को कामयाब करे। और नंबर लिया? जी जी नंबर लिया, आप टच में रहेंगे, मैं टेक्स्ट करूंगा आपको। कोई बात ही नहीं, जो मर्जी करे। यार तो इस यहाँ पे चाचा चाचा हाथ दे दे मुझे अपना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बच्चे हैं हमारे। सही, थैंक यू चाचा। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह ताला आपको लंबी सेहत दे। आमीन। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और मेरे मुल्क को और मेरे मुल्क के लोगों को जो है ना खुश रखे, खुशहाल रखे और पाकिस्तान का इस्लाम का परचम दुनिया में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई जो है ना एक जो है ना शेर जो है ना मैं शहर इकबाल हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शहर से आया हूँ और उसका एक शेर जो है ना वो सारी दुनिया जानती है, मेरा भी आज रहमतों वाला मीन है, यही शेर हमारी आवाज़ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोगो कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का परचम बुलंद रखे, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू थैंक यू। यार हम लोग आए थे सिर्फ और सिर्फ चाचा क्रिकेट के लिए सदर तक, वरना हम लोगों का सियालकोट लस्सी का प्लान बना था, खैर अभी भी चल सकते हैं। सही, तो चलते हैं भाई सियालकोट लस्सी। चलो लेट्स गो। यार यकीन ही नहीं आ रहा है कि ये भी कराची में बहुत ही साफ सुथरा बहुत ही लग्जरी हाउस। सिरे का नाम क्या है इधर भाई? बहादुर आबाद। बहादुर आबाद यार, अब इसको अली आबाद भी कह सकते हो।
अली आबाद या फिर बहादुर आबाद? अली आबाद से मुराद नहीं है, मैं और हैदर भाई दोनों अली हैं बहादुर। यार बहुत ही खूबसूरत एरिया है। मीठा लस्सी 2 मीटर से जल्दी से ले आओ यार। यार फाइनली लस्सी भी आ गया। अपने व्यूज़ यार कमेंट करेंगे या नहीं? यार आप लोगों को पता है मुझे जो चीज़ पसंद आए मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ। वो मैं जब भी कोई रिव्यू देता है तो वो मेरा होनेस्टी होता है। ऐसा नहीं कि मैं कैमरे के सामने कहूँ हाँ बहुत ही मज़ेदार है और कैमरे के पीछे नहीं ये मज़ेदार नहीं फ्लाट डिम का। यार मेरी मदर ने भी मुझे कहा था कि आप इस तरह क्यों बोलते हो कैमरे के सामने कि ये मज़ेदार नहीं था। एक मरतबा इधर भाई मैं गया था हज़ार टाउन के किसी रेस्टोरेंट में, मेरे ख्याल में वहाँ पे मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। मैंने उसी टाइम ही बोल दिया मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मेरी मदर ने कही कि आपने बहुत ही बुरा किया। मैंने कहा मुझे जो चीज़ पसंद है मैं उसको उसी टाइम ही बोलता हूँ कि मुझे बहुत पसंद आया। अगर जब मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसी टाइम ही बोलता हूँ कि मुझे पसंद नहीं आया। यार तो ये लस्सी मज़े का है। गेस्ट हाउस पहुंच गए तो इसके साथ आज का व्लॉग ही पेंट कर देता हूँ। होप्स ओके व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया है तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर। कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, फैमिली वालों से प्यार करें, दुआओं में याद रखना। और हाँ जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार आप लोगों की खातिर क्वेटा से कराची आया हूँ वो भी रमज़ान के महीने में, तो जल्दी से फटाफट लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर। कल फिर मिलेंगे। टाटा गुड बाय टेक केयर अल्लाह।